मैम यहाँ भी यहाँ पे लोग या मैम लोग या थैंक यू एक छोटा रूल तो बना सर संदीप भाई आज हमारे आगे से हटाओ तो सही फिर आगे से हटाओ तो सही और देखो कैमरा आ रहा है वो लोग को जोरदार तालियां अब तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनता ही है मतलब तालियां तो अब बनती है ये देखो खड़े हो गए देख रहे हो ठीक है अपने मम्मी स्टिल ना ना ठीक हो अरे वो लोग बोलूंगा फिर खड़े हो जाएंगे वो लोग थोड़े हटने वाले हैं भाई बैठ जा अभी बैठ जा ओ हेलो कैमरा फोटोग्राफर हम लोग जाए क्या कैमरा नीचे अरे वीडियो वाला कौन है अब ओ सुंदर भाई भाई उनको अकेले कोई छापना है क्या पहला ये फिल्म का नाम था कॉमेडी का तड़का कॉमेडी का तड़का ये गूगल पे अगर सर्च कर दिया तो कॉमेडी कपिल कॉमेडी करके आता था कॉमेडी सर्कस करके आता था इसके वजह से कॉमेडी का तड़का ये पता नहीं चलता था इसके लिए हमने डायरेक्टर और हमारे सभी टीम के साथ बातचीत करके ये मूवी का नाम चेंज करके हमने तीन छने नाम रख दिया है ये तीन शहने बहुत ही अच्छी मूवी है ये आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा थैंक यू देव आप क्या कहेंगे टाइटल को लेकर थ्री इडियट जैसा लग रहा है अच्छा ये तो आपने बहुत बड़ी फिल्म के साथ कंपेयर कर दिया आई होप जितना सक्सेस उसे बॉक्स ऑफिस पे मिला जितना प्यार ऑडियंस ने दिया वैसा ही प्यार हमें भी मिले वो भी लेजेंड है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कहीं अच्छा नाम कमाएं इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही प्यारा टाइटल लगा मुझे तीन शाने पहला टाइटल भी अच्छा था और तीन शाने भी बहुत अच्छा है मुझे याद है मेरी नानी जब मैं छोटा था तो बोलती थी कि जब तू श्याना हो जाएगा ना स्याना हो जाएगा बेटा तब तेरी शादी कराएंगे तो मैं स्याने होने का वेट कर रहा था समझदार होने का वेट कर रहा था लेकिन इस फिल्म में मैं शाना बन गया तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस एक होता है स्याना जो समझदार होता है और जब वो ज्यादा समझदार हो जाता है जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाता है उसे शाणा बोलते हैं तो ये तीन शाणों की कहानी है और आपको देख के बहुत मजा आएगा इसको अंशु जी आपका कैसा अनुभव रहा फिल्म की शूटिंग के दौरान जी बहुत बढ़िया रहा बहुत ही अच्छी लगी कहानी बहुत यूथ ओरिएंटेड कहानी है और तीन सयाने जैसे देव बता रहे थे कि इट्स अबाउट यू नो boys turning into men their follies their mistakes and how they deal with it how life teaches them a lesson and how people help them so it's a very human bahut hi aajkal ki aur matlab human kahani I really love the story and I hope we made a good film out of it okay arjuman aap kya kehna chahenge apne kirdar ke bare mein
मेरे किरदार के बारे में बताया ना अभी भी आपको, मैं इसमें एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ और मतलब ये कैरेक्टर जो है वो प्रियांशु जी के अपोजिट में है, जिसमें मैं उनकी लव इंटरेस्ट हूँ, उनकी बीवी हूँ। और ये एक ऐसे एक्चुअली मेरा रोल एक ऐसा रोल है जो एक बहुत ही सरफिरी सी बेवकूफ़ सी लड़की है जो मतलब प्यार के चक्कर में शादी कर लेती है अपने घर वालों के खिलाफ। सो इस तरह का कैरेक्टर है, सरफिरा टाइप का कैरेक्टर है मेरा। तो मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बेहतर है कि मेरा कैरेक्टर देखा जाए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है, और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रियांशु सर हैं, बहुत अमेजिंग कलाकार हैं, और देव शर्मा हैं, अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच जो हैं हमारी हीरोइन है जो, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। इसमें निशांत तनवर और कुणाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे डायरेक्टर हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड रियली इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड डायरेक्टर आई विल से हिम। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक कोशिश की है एक छोटी सी फिल्म बनाने की, और मैं बोलती हूँ कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, क्योंकि बड़ी फिल्में जो हैं उसके लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं बड़ी, जिसमें बहुत कम मौका मिलता है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और कम मौके हैं उनके पास में। तो अगर छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनती हैं तो बहुत सारे एक्टरों को काम करने का मौका मिलता है और बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं, इसलिए ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और अच्छे लोग आ रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनेगी, क्योंकि हमारी हिंदी इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली बेस ऐसा बेस है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में बनेंगी और बहुत अच्छी फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अनुप्रिया, आप शायद डेब्यू कर रही हैं इस फिल्म से, बताएं आप अपने बारे में, जर्नी आपकी और किरदार आपका जो। मैं हिमाचल से हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपने मेरे को इसमें ना मोटा देखा होगा, अब आपको ये देखना है कि मैं पतली दिख तो रही हूँ ना, पतली की अभी भी मोटी दिख रही हूँ सबको। वेट कर। हाँ, तो अब आपको ये मूवी देखने जाना पड़ेगा कि उसमें मैं मोटी किस लिए थी, पहली बात ये। और अब मैं सीधी सी बात हिमाचली ढंग से बोलूँगी कि इस मूवी में मेरे को बहुत मज़ा आया, संजय सर ने मुझे बहुत इज्जत दी। मेरे को प्राउड फील होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर भी होते हैं जो जिनको बोलते हैं कि ग्लैमर ये वो, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि सब अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छे से काम मिलना चाहिए, सब लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए। इन्होंने हम सबको प्यार दिया, सबको। और मैं दुआ करती हूँ कि ये प्रोड्यूसर ऐसे ही बने रहे और मेरे अलावा भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ये चांस दे, तो कितने लकी होंगे वो कि उनको ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मुझे अपनी मूवी में चांस दिया। मतलब मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ और मेरे लिए ये ना भगवान के समान है। और अमरजीत सर ना मेरे लिए भगवान के एक दूत थे जो आए थे और जिन्होंने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया और मैंने ये तीन शाने की, मुझे बहुत मज़ा आया। हिमाचल के हम दो लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, हिमाचल लॉक्स। संजय जी, कैसे आपने अनुप्रिया का सिलेक्शन किया, इनको लॉन्च किया? अनिल जी चलिए आप बताइए। सर, मैं पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप उनको कवर कर रहे हैं। अनुप्रिया जी को हम जो है, अमरजीत सिंह साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है मुलाकात करवाई, तो बातचीत करने के बाद हमने ऑडिशन नहीं लिया, हमने सभी से जो है हमने बातचीत की। जब बातचीत में उनका जो है कैसे पेश आना ये है, उससे मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रोड्यूसर सर और हमारे नंदा जी सब मिलकर बैठ के डिसाइड किए कि जो है लीड में हम इनको लेते हैं। तो इस तरह जो है अनुप्रिया जी को हमने लिया। विक्रम जी, म्यूजिक के बारे में आप कहें, किस तरह का म्यूजिक है इसमें और कितनी तैयारी लगी इसको बनाने में? हाँ, गाजे भाई बोलो। हाँ विक्रम जी, बताएं आप म्यूजिक के बारे में, कितनी तैयारी की आपने पांच गाने बनाने में? नहीं, तैयारी मैंने बहुत की और रनीश जी ने कम से कम तो डेढ़ दो महीना लगाए उन्होंने म्यूजिक पे मेरे साथ। और गाने आप सारे आपने देख ही लिए हैं कि कैसे हुए कैसे नहीं हुए, फिल्म देखने भी बाकी, पर गाने आपके सामने आ चुके हैं।
ये सब मेरे मेहनत तो है ही, मेरे साथ साथ अनीस भाई की भी मेहनत है, क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर इतना अच्छा काम निकलवा सकता है। तो ये जो भी मैं अच्छा कर पाया हूँ सब अनीस भाई का कमाल है वो, और मैं इतने जो जो भी है गाने अच्छे बन पाए आपके सामने देखे आपने। बाकी सपोर्ट करें फिल्म को और सराहें गाने को। और पूछो भाई। अनुप्रिया जी, देव जी के साथ कैसा रहा आपका, बॉन्डिंग कैसी थी सेट पे? मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी देव के साथ। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा लड़का है, देखिए इसे पता था मैं एक नई लड़की हूँ और एक मोटी लड़की फिर भी इसने मेरे साथ काम किया, कितना अच्छा लड़का हो गया सोचो आप। अब मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, इसके लिए इसको भी थैंक यू मेरे साथ काम करने के लिए, थैंक यू देव। सर जी आप बताएं अपने बारे में, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हाँ आप ही के लिए। जर्नी ऐसी है कि फर्स्ट टाइम इनसे मीटिंग हुई थी अनीस सर से मेरी उनके ऑफिस में, तो इन्होंने बुलाया, नरेशन दिया सुन के, क्योंकि आजकल लोगों को ना टेंशन परेशानियाँ बहुत है लाइफ में, तो वो देखना चाहते हैं कॉमेडी, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा लाइट होने के लिए जाते हैं थिएटर्स में। हम घर में ही परेशान हैं, थिएटर्स में जाकर भी अपना दिमाग ले कि ये क्या हुआ, ये कत्ल क्यों हुआ, तो इससे बेटर कि अपना लाइट करें। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे कॉमेडी मूवी कर रहा हूँ, और बहुत चीज़ें नहीं थी, बहुत मज़ा आया सब सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने में। तो ऐसा थैंक यू।